हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदी विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदी विद्यालय हैं, वहाँ पे शिक्षक शिक्षार्थी संबंध बेहतर हो, उनके बीच सार्थक संवाद हो, बच्चे अधिगम प्रतिफल के रूप में गुणात्मक उन्नयन करें, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी इस बात की तस्दीक करना हो जाता है, इस बात को सुनिश्चित करना हो जाता है कि अभिभावकों से भी सार्थक संबंध बना रहे, संवादहीनता की स्थिति किसी भी प्रकार से शैक्षणिक उन्नयन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक ही है। तो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ऑलरेडी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा पत्र निर्गत हुआ है, उसी के संदर्भ में दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि अक्टूबर के दूसरे सोमवार को पेरेंट टीचर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने हैं, इसका एजेंडा क्या है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें आपको करनी है। कोई नई बात नहीं हो रही है, लेकिन नयापन दोस्तों यही है कि अक्टूबर के दूसरा जो सोमवार है उसे खाली जाने नहीं देने हैं। उस दिवस को आपको पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन करना है। इससे पहले ही आपके द्वारा यानी शिक्षकों के द्वारा जो भी बच्चे अध्ययन करने आते हैं, उनके अभिभावकों को पहले से ही आपको सूचित कर देने हैं। शिक्षकों को भी, अगर आप प्रभारी सहायक शिक्षक हैं या पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो आपको जो भी आपके सहायक शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक भाई बहन हैं, उन्हें विश्वास में ले लेने हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में आपको ले लेने हैं, ताकि ये जो कलेक्टिव एफर्ट है, जो सामूहिक प्रयास है, वो दृष्टिगोचर हो और जो पठन पाठन का विद्यालय में माहौल है वो बना रहे। वो किसी भी रूप में अगर आप संवाद में चूकते हैं तो वातावरण बिगड़ता है। आइए दोस्तों, पीटीएम बैठक के विषय में हम आगे भी आपके को बताने जा रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये प्रारूप है शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। पेरेंट टीचर मीटिंग बैठक, विद्यालय का नाम, यू डायस कोड, संकुल का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम, दिनांक। अब ये ऑलरेडी पत्र निर्गत हुआ था, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक, दिनांक 26 जून 2023 के क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर, व्यवहार संबंधी रिपोर्ट, प्रगति एवं अन्य क्रियाकलापों को गति प्रदान किए जाने के उद्देश्य से अध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित करके उनके बीच पारस्परिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक पेरेंट टीचर मीटिंग की बैठक आयोजित की जाती है। अपर मुख्य सचिव के शासनादेश दिनांक 30 सितंबर 2019 के क्रम में समस्त परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक की बैठक त्रैमासिक माह यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर के दूसरे सोमवार को विद्यालय में प्रातः 11 बजे से 12 बजे के मध्य आयोजित कराई जाए। अवकाश की स्थिति में बैठक अगले कार्य दिवस में कराई जाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षक के पत्र संख्या दोस्तों यहां पे दिया गया है, जो कि पत्र निर्गत हुआ 18 जून 2024 का संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट करें इसकी बात हो रही, जिसके द्वारा स्कूल चलो अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में पीटीएम आयोजित की जानी है। बैठक बच्चों का 100% नामांकन, अधिकतर अनुपस्थिति तथा ड्रॉप आउट बच्चों को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा करने,
तथा उन्हें बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त 6 जुलाई 2024 को एक पत्र निकला है के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉपआउट बच्चों के माता पिता अभिभावकों को पीटीएम में अवश्य आमंत्रित करने तथा ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया है। पेरेंट टीचर मीटिंग का एजेंडा समस्त सम्मानित अभिभावकगण आप सभी को सादर अवगत कराना है। दिनांक 11/10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 अक्टूबर 2024 दिनांक सोमवार को प्रातः 10 से 12 बजे तक अक्टूबर माह की अभिभावक शिक्षक यानी पीटीएम का आयोजन प्राथमिक आबलिक उच्च प्राथमिक या संविलियन विद्यालय नाम लिख देंगे विद्यालय का में किया जाना है। इस बैठक में अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। अतः आप सभी लोगों को विद्यालय परिसर परिवार की तरफ से विनम्र निवेदन है कि बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। सूचना का माध्यम बच्चों को आप सूचित कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा अभिभावकों को सूचित कर सकते हैं, रसोइया के द्वारा, स्वयं के संपर्क के द्वारा। तो कार्यक्रम का आयोजन पूर्व में निर्धारित तिथि को विद्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे अपराह्न तक अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाना। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा कुर्सियों की व्यवस्था की गई। बैठक में समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, कार्यरत स्थल, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर कराए गए। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया। बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु बच्चों के नामांकन उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में। बैठक में अधिकतर अनुपस्थित या ड्रॉपआउट बच्चों को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा कर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही साथ ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही गई। विद्यालय सेवी क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाए तथा संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के अभिभावकों को अभिप्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया गया। शिक्षा के महत्व उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चा के अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया गया। शिक्षा के महत्व और उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना। समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित करना। प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ उनके बच्चे के अधिगम स्तर पर चर्चा की जाए और घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थित वाले बच्चों की सूची तैयार कर की गई तथा ऐसे बच्चों के माता पिता अभिभावकों को पीटीएम में उपस्थित सुनिश्चित की गई। बैठक में ऐसे अभिभावकों से चर्चा कर बच्चों के विद्यालय न आने का कारण जानने का प्रयास किया गया तथा बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। डीबीटी के संबंध में भी चर्चा हुई। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म क्रय हेतु रुपया 300 की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हेतु 600 रुपया, स्वेटर क्रय हेतु 200 रुपया मात्र, जूता मोजा क्रय हेतु 125 मात्र, स्कूल बैग क्रय हेतु रुपया 175 मात्र तथा 4 कापी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर, 2 इरेजर आदि स्टेशनरी क्रय हेतु रुपया 100 मात्र अर्थात कुल 1200 मात्र की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में उपलब्ध कराई जा रही। तत्क्रम में छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों को आधार बनवाने, बैंक के खाते को आधार से सीड करवाने एवं डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि को उपभोग, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय के लिए किए जाने हेतु प्रेरित किया जाए। निपुण भारत मिशन पर भी दोस्तों चर्चा हुई और विद्यालय की साफ सफाई पर विस्तारपूर्वक चर्चा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम, दिव्यांग बच्चे हेतु समर्थ कार्यक्रम, संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संबंध में चर्चा। 1 से अक्टूबर तक दस्तक अभियान दोस्तों चलना है। 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य में जो है इसमें 1 से लेकर के 31 अक्टूबर तक संचारी रोग चलेगा और 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा, इसके विषय में बताएंगे। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों का दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों तथा जल जनित रोगों से बचाव हेतु संवेदीकरण किया जाए, विशेषकर सुरक्षित पीने का पानी, शौचालय का प्रयोग, खुले में शौच के नुकसान पर जोर देके बताया गया। हर बुखार खतरनाक हो सकता है, बुखार के कारण बुखार होने पर क्या करें क्या ना करें, इस पर जागरूक किया गया और इस पर चर्चा की गई। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा फॉर्म पर चर्चा,
जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म भराए जा रहे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, तो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा पर चर्चा। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विद्या ज्ञान की प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आवेदन की पूर्ण अर्हताओं के बारे में अवगत कराया गया तथा आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर से SMC के सदस्यों तथा अभिभावकों के मध्य अवगत कराते हुए 5 पात्र छात्र छात्राओं की सूची साझा की गई और उन्हें आवेदन के लिए बताया गया। प्रथम सत्र परीक्षा परिणाम पर चर्चा। गत माह सितंबर 2024 में आयोजित प्रथम सत्र परीक्षा परिणाम को आज की बैठक में SMC सदस्यों तथा अभिभावकों को परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई और बच्चों के रिजल्ट को साझा किया गया। विद्यालय स्तर तथा संकुल स्तर पर खेलकूद के संबंध में चर्चा। वर्तमान माह अक्टूबर में विद्यालय स्तर पर तथा संकुल स्तर पर होने वाले बच्चों के खेलकूद के संबंध में आज बैठक में चर्चा की गई। शैक्षिक वर्ष 2024-25 में नई SMC के गठन की चर्चा। शैक्षिक वर्ष 2024-25 में नवीन SMC के गठन की प्रक्रिया में प्रतिभाग हेतु अभिभावकों को जागरूक और प्रेरित किया गया तथा विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों के सहयोग प्राप्त किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा। कार्यक्रम विद्यालय को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय, हैंड वॉश यूनिट, विद्युतीकरण, रैंप, रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास इत्यादि का बाल मैत्री का अधिगम्यता के अनुसार निर्माण कराया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं का विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो सके। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यान्वयन पर चर्चा। पेरेंट टीचर मीटिंग में उपस्थित अभिभावकों को विद्यालय प्रबंध समिति के उद्देश्य, गठन, कर्तव्य के बारे में अवगत कराया गया। विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को की जाती है। जानकारी बैठक में उपस्थित अभिभावकों को दी गई। विद्यालय प्रबंध समिति के साथ साथ आप सभी अभिभावकों का विद्यालय विकास योजना में सहयोग अपेक्षित है, जिससे विद्यालय की विकास योजना संपूर्ण ढंग से तैयार की जा सके। बैठक कार्यवाही का समापन। अंत में बच्चों को नियमित उपस्थित में समिति के साथ साथ आप सभी अभिभावक अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे अनुपस्थित की दर को घटाया जा सके। इसके साथ ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन मिष्ठान वितरण व जलपान की व्यवस्था के साथ किया गया। दोस्तों, ये पूरी की पूरी कार्यक्रम है। बैठक में उपस्थित माता पिता अभिभावक के नाम, मोबाइल नंबर व हस्ताक्षर जरूर कराने, क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम, छात्र छात्रा की कक्षा, नाम, माता पिता अभिभावक, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर माता पिता अभिभावक, इसको आपको करा लेने हैं। और नीचे हस्ताक्षर हेडमास्टर कराएगा, SMC के अध्यक्ष कराएगा। इतना काम दोस्तों आप करा लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।